Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of For Your Information hashtag FYI जहां हम नजर डालेंगे आज के दिन की घटी घटनाओं पे 17 जनवरी के दिन क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी, क्या इम्पोर्टेंट है और किन बातों पे आपको फोकस करना है जिससे कहीं ना कहीं आपके दिन की बातें यहां पे शुरू हो जाए। दिन की शुरुआत महिंद्रा गुरु के साथ हो चुकी है हैशटैग BCA के साथ, तो बिल्कुल जुड़ जाइए इस सेशन के साथ और देखते रहिए क्योंकि ये आप ही का है, आप ही के लिए है, आप ही की जानकारी के लिए है। तो बिल्कुल बढ़ेंगे सेशन के साथ, स्वागत करेंगे हिस्ट्री गुरु का भी और सभी जितने भी व्यूवर्स यहाँ हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे हम कहेंगे कि इसी तरीके से आप जुड़ते रहिए क्योंकि महिंद्रा गुरु का साथ आपको कहीं ना कहीं सक्सेस पाथ की तरफ लेके जाएगा। जानेंगे हिस्ट्री गुरु से कि क्यों महत्वपूर्ण है आज के दिन की घटनाओं को जानना या हर दिन की घटनाओं को जानना, क्योंकि जैसा कि हम कहते हैं 365 days in a normal year and 366 days in a leap year, #FYI for your information आपके लिए important है। जी, सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये CHSL का जो भी एग्जाम अभी हुआ है या जो चल रहे हैं एग्जाम्स, तो उनमें देखने में जो भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, न्यूज के रेफरेंस से जो भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं या जो FYI में जो क्वेश्चन बैंक आप लोग तैयार कर रहे हैं, यानी कि 10 questions per day, तो उनसे बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर हमको देखने को मिले हैं। तो बिल्कुल इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर सेशन है वहां पर तो आपको एज इट इज क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे, चाहे वो आपका NTPC का जो एग्जाम स्टार्ट हुआ है आज से ही, तो वहां पर भी क्वेश्चन मिलेंगे और CHSL में भी क्वेश्चन मिलेंगे। और अगर आप GS से रिलेटेड, जहां पर GS को एक सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है, अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर ये सारी न्यूज से और हमारे FYI क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं और देखते हैं आज के दिन की पहली घटना जो घटी थी 1899 जनवरी वॉज द डे व्हेन द यूनाइटेड स्टेट टेक पोजीशन ऑफ वेक आइलैंड इन द पैसिफिक ओशन। यूनाइटेड स्टेट ने पोजीशन लिया था पैसिफिक ओशन के वेक आइलैंड पे। तो सर ये क्यों महत्वपूर्ण है? बिल्कुल मैम, इम्पोर्टेंट है, वेक आइलैंड के बारे में पूछा जा सकता है। और आज ही का दिन यानी कि 17 जनवरी का वो दिन था और वर्ष था 1899 को, जब यूनाइटेड स्टेट ने वेक आइलैंड पे पोजीशन लिया था, तो एक महत्वपूर्ण न्यूज बन सकती है। अब एक चीज याद रखिएगा, वेक आइलैंड की अगर लोकेशन पूछी जाए तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन इन नॉर्दर्न एरिया ऑफ माइक्रोनेशिया। याद रखिएगा, ये माइक्रोनेशिया का जो नॉर्दर्न एरिया है वहां पर सिचुएटेड है और कौन से ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन में स्थित है। और इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अगर आपको वेक आइलैंड की बात आई है तो वेक एटॉल के नाम से भी इसको जानते हैं, वेक एटॉल, और एक कोरल एटॉल के रूप में भी ये जाना जाता है। जिसके आसपास अगर हम देशों की बात करें या वहां पर आइसलैंड की बात करें तो बिल्कुल जान सकते हैं, पूर्व में इसको ईस्ट में गुआम आता है, वेस्ट में होनोलुलु है और टोक्यो उसके साउथ में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके जियोग्राफी से भी बन सकते हैं और एक GK पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिल्कुल, अगले इवेंट की अगर हम बात करें तो वो हुआ था 1946 द सेम डे 17 जनवरी व्हेन द UN सिक्योरिटी काउंसिल होल्ड्स इट्स फर्स्ट सेशन। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने अपनी पहली बैठक या पहले सेशन की बात यहाँ पे हुई थी। तो बिल्कुल सर, पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि इम्पोर्टेंट तो ये है। बिल्कुल मैम, आ देखिए यहाँ पर 1946 की बात आई है और 17 जनवरी आज का ही वो दिन था जब 1946 में सिक्योरिटी काउंसिल का फर्स्ट सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था, यानी कि कंडक्ट किया गया था। अब यहाँ पर UNO का एक पार्ट है, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, यानी कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में उसके बहुत सारे अंग बनाए गए थे, उन्हीं में से सिक्योरिटी काउंसिल एक अंग था जिसका कार्य क्या है कि इस अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था को स्थापित करना है, और इसीलिए इसको दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है। अब देखिए, जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ये पूछा जाता है इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 15 मेंबर होते हैं, लेकिन 5 मेंबर परमानेंट होते हैं और 10 मेंबर्स वहां पर आपके नॉन परमानेंट होते हैं। तो 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम जरूर सारे लोग याद कर सकते हैं, रसिया, UK यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना एंड USA, ये उसके परमानेंट मेंबर हैं। और जो 10 मेंबर नॉन परमानेंट मेंबर यानी कि टेम्परेरी मेंबर भी कह सकते हो, जो 10 मेंबर इसके बनाए जाते हैं वो इलेक्टेड ऑन जनरल रीजनल बेसिस, ये रीजनल बेसिस पर बनाए जाते हैं और ये 2 साल के लिए बनाए जाते हैं। कि बिल्कुल ये आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज सिक्योरिटी काउंसिल से बन सकती है। बिल्कुल,
बढ़ते इसी के साथ देखते हैं अगला इवेंट जो हुआ था 1996 1996 17 जनवरी का ही दिन था जब द चेक रिपब्लिक अप्लाइज फॉर मेंबरशिप ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो सर चेक रिपब्लिक ने एप्लीकेशन दिया था मेंबरशिप के लिए या यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के लिए, सदस्य बनने के लिए। तो कहीं ना कहीं पढ़ के इसकी इंपॉर्टेंस तो समझ में आ रही है, बट इससे और भी फैक्ट्स हम क्या जान सकते हैं। बिल्कुल मैम, यूरोपियन यूनियन की बात आई है तो सारे लोग जानते हैं कि यूरो करेंसी भी चलती है, जिसमें यूरोपियन यूनियन के जितने सारे कंट्रीज हैं वो सब यूरो को अडॉप्ट कर चुके हैं। तो 17 जनवरी का भी दिन एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि 1996 में 17 जनवरी को यानी कि आज ही के दिन जो चेक रिपब्लिक था वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बना था। अब यूरोपियन यूनियन की बात आई है तो बिल्कुल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सारे लोग नोट कर सकते हो कि 1 जनवरी 1958 को यूरोप के इनर सिक्स, जी हाँ याद रखिएगा इनर सिक्स कहे जाने वाले सिक्स कंट्रीज थे, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग, इन सारे कंट्रीज ने रोम में एक ट्रीटी की थी, एक संधि की थी, उसके माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी। बिल्कुल याद रखिएगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी और इसी संगठन को बाद में यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन नाम दिया गया। और बाद में 1991 में नीदरलैंड का एक मैस्ट्रिच शहर है, उस मैस्ट्रिच शहर में 12 यूरोपीय देशों ने फिर से एक संधि पर हस्ताक्षर किए और हस्ताक्षर करने के बाद में यूरोपीय यूनियन को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया था। उसके बाद में जब करेंसी की बात आई, जब कंट्रीज बन गए, ये 28 कंट्रीज अब हो चुके हैं, तो ये जो कंट्रीज बनते हैं उसके बाद में यहाँ पर यूरो करेंसी की बात आई कि अपनी एक करेंसी भी होनी चाहिए, तो उस करेंसी के लिए 1 जनवरी 1994 को एक स्वतंत्र यूरोपीय मुद्रा संस्थान की भी इस ऑर्गेनाइजेशन ने स्थापना कर दी थी। तो ये सारे जितनी सारी मैंने यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया है बेहद महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो यू के कंट्रीज की बात हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट की बात हो, हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे और देखेंगे बर्थडे पे आज किसकी जन्मतिथि होती है, 17 जनवरी को किन किन महान हस्तियों की जन्मतिथि हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो लेट्स लुक अपॉन द फर्स्ट पर्सनालिटी वी हैव बाबू गुलाब राय, 1888 17 जनवरी के दिन जन्मे बाबू गुलाब राय जी का। सर सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा? जी बिल्कुल, बाबू गुलाब राय जी का नाम सारे लोग जानते होंगे क्योंकि साहित्य क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं और 17 जनवरी 1888 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म इटावा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करेंगे तो एक बहुत ही अच्छे एक लिटरेचर पर्सनालिटी रहे हैं, तो हिंदी के आलोचक, जी हाँ आलोचनात्मक इन्होंने जो रचनाएं की हैं और निबंधकार भी रहे हैं। अगर इनकी कुछ आलोचनात्मक रचनाओं की बात करें तो नवरस, नाट्य विमर्श, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। निबंध की अगर बात करें तो निबंध इनका एक बहुत महत्वपूर्ण है, वह है जीवन पशु ठलुआ क्लब। याद रखिएगा ठलुआ क्लब का नाम सारे लोग जानते होंगे, तो उससे भी जुड़े हुए गुलाब राय जी रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण इनका निबंध रहा है मेरी असफलताएं, तो ये हो सकता है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं जीएस में ये भी पूछा जा सकता है कि ये निबंध किसका है, या ये भी पूछा जा सकता है कि बाबू गुलाब राय किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका उत्तर साहित्य क्षेत्र आना चाहिए। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ, देखेंगे अगली पर्सनालिटी जो है जावेद अख्तर जी, 1945 बिफोर इंडिपेंडेंस ईयर जन्मे जावेद अख्तर जी का भी जन्म 17 जनवरी के ही दिन हुआ था। तो बिल्कुल सर, अब इनका नाम भी छोटा नहीं है, छिपा नहीं है, खुद में ही अपना नाम, खुद में एक डेफिनेशन है, पर इसके बारे में और जानेंगे आपसे। बिल्कुल मैम, जावेद अख्तर के बारे में हमारे एस्पायरेंट बिल्कुल जानते होंगे क्योंकि एक शायर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है और सामाजिक कार्यकर्ता सोशल एक्टिविस्ट के फॉर्म में इन्होंने बहुत सारा कार्य किया है, इनका योगदान भी रहता है बहुत सारे क्षेत्रों में। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था 1945 को आज ही के दिन यानी कि 17 जनवरी को। इनका पूरा नाम है जावेद जानिसर अख्तर, याद रखिएगा जावेद जानिसर अख्तर इनका पूरा नाम है, और शायर भी रहे हैं, फिल्मों के गीतकार भी हैं और एक पटकथा लेखक भी के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं, और इसीलिए इन सारे कार्यों के लिए इनको 2007 में सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से भी नवाजा है। अगर वर्तमान में बात करें तो इनके सुपुत्र और सुपुत्री दोनों फिल्म इंडस्ट्री में कार्यरत हैं, अपने अलग अलग रोल में निर्देशन में भी करते हैं, मशहूर फिल्म एक्टर फरहान अख्तर और जोया अख्तर इनकी सुपुत्री। बिल्कुल,
तो यहाँ सर पत्नी का नाम भी अगर हम ले लें तो जी शबाना सबाना आजमी आजमी है। बहुत फिल्म अभिनेत्री, क्योंकि मैम अभी कुछ दिन पहले ही सबाना आजमी से रिलेटेड हम लोगों ने बात की थी, तो वहां पर जावेद अख्तर साहब का भी नाम वहां पर लिया गया था। तो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मशहूर फिल्म अभिनेत्री, इनकी धर्मपत्नी है। बिल्कुल, तो बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगली पर्सनालिटी भी है, रंगेया राघव। जी 1923 17 जनवरी के ही दिन जन्मे रंगेया राघव जी कौन थे और इनका सामाजिक योगदान क्या था? बिल्कुल, रंगे राघव जी बहुत महत्वपूर्ण, ये भी चर्चित पर्सनालिटी रहे हैं और हिंदी के विशिष्ट रचनाकार हैं। आगरा में इनका जन्म हुआ था, आज ही के दिन 17 जनवरी 1923 को ये जन्मे थे आगरा में। उपन्यासकार रहे हैं, कहानीकार रहे हैं और निबंधकार भी रहे हैं। बिल्कुल, अगर इनके मूल नाम की बात करें, तिरुमल्ले नबाकम बीर राघव आचार्य, फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूं, तिरुमल्ले नबाकम वीर राघव आचार्य इनका मूल नाम था, लेकिन साहित्य क्षेत्र में ये रंगे राघव के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, उसके बारे में सारे लोग जानते होंगे, 1946 में एक उपन्यास प्रकाशित किया गया था घरौंदा, उसके लिए ये बहुत अच्छी तरीके से प्रसिद्ध हुए और कथाकार के रूप में भी जाने गए। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे और देखेंगे अगली पर्सनालिटी है कमल अमरोही जी। जी 1918 17 जनवरी को जन्मे कमल अमरोही जी कौन थे और इनका सामाजिक योगदान क्या था? बिल्कुल मैम, कमाल कमाल अमरोही को कहेंगे, अच्छा कमाल अमरोही साहब की अगर बात करते हैं तो इनका भी एक अलग वास्तविक नाम। देखिए आप लोगों को कुछ सारे वास्तविक नाम भी अलग अलग पर्सनालिटीज के मिलते हैं, तो बिल्कुल कार्य से ही कुछ लोगों का नाम प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे हमने अपने, अगर पीछे के आप हमारे एपिसोड्स देखेंगे FYI के, तो वहां पर बहुत सारे दिलीप कुमार या रहमान, कार्य क्षेत्र में नाम कुछ और है, उनका रियल नेम कुछ और है। तो इसी तरीके से अभी डिस्कस किया था हमने, इसी तरीके से हमारे कमाल अमरोही साहब भी हैं। सैयद अमीर हैदर कमाल लकवी, इनका पूरा नाम क्या है? सैयद अमीर हैदर कमाल लकवी इनका पूरा नाम है। अमरोहा में इनका जन्म हुआ था, तो ऑब्वियसली इनके नाम के आगे अमरोही लगा अमरोही हुआ लगता है, है। तो इसीलिए बिल्कुल मैम ये कमाल अमरोही के नाम से जाने जाते हैं। उर्दू के और हिंदी के एक बहुत अच्छे पोएट रहे हैं, यानी कि कवि रहे हैं, और इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में भी कार्य किया है, संगीत दिया है, बहुत सारी चीजों में इन्होंने अपना योगदान दिया है। महल बहुत प्रसिद्ध फिल्म रही है, पाकीजा, रजिया सुल्तान आदि फिल्मों में भी इनका योगदान रहा है। बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ऑबिचुरीज की बात, डेथ की बात, कि किनकी पुण्यतिथि होती है आज ही के दिन 17 जनवरी को। तो पहली पर्सनालिटी है हमारे पास सुचित्रा सेन। 2014 17 जनवरी के ही दिन इनका देहांत हुआ था, निधन हुआ था। तो बिल्कुल सर, सुचित्रा सेन जी का नाम जब यहाँ आ जाता है तो उनके बारे में हम और क्या जान सकते हैं? बिल्कुल मैम, सुचित्रा सेन का अगर नाम आएगा तो मुनमुन सेन का अगर नाम आएगा तो मुनमुन सेन की अगर बात करेंगे, मुनमुन सेन की माँ का नाम सुचित्रा सेन है। 17 जनवरी 2014 की ये घटना, चलिए हम सुचित्रा सेन के बारे में डिस्कस करते हैं। हिंदी और बांग्ला फिल्मों की एक अभिनेत्री थी, याद रखिएगा, मुनमुन सेन की माँ, और वो प्रथम भारतीय अभिनेत्री हैं जिनको किसी अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें पुरस्कार भी दिया गया था। और ये प्रसिद्धि का कारण क्या था इनकी, एक विमल राय की फिल्म आई थी पुरानी वाली देवदास, उसमें इन्होंने पारो की भूमिका निभाई थी, उसके लिए जानी जाती है। बिल्कुल, अगली पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो वी हैव ज्योति बसु। 2010 17 जनवरी में इनका निधन हुआ था, देहांत हुआ था। तो बिल्कुल सर, ज्योति बसु का ही भी नाम अपने आप में एक जी डेफिनेशन है, लेकिन इनके कॉन्ट्रीब्यूशन जानेंगे आपसे। जी बिल्कुल मैम, ज्योति बसु से तो सारे लोग वाकिफ होंगे, एक राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, बहुत समय तक वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवा दी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जाने माने राजनेता रहे हैं, याद रखिएगा, और 1997 से लेकर के 2000 तक ये वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो आप सारे लोग जान सकते हैं कितने एक लॉन्ग टाइम के लिए वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण न्यूज बन सकती है। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में FYI के क्वेश्चन बैंक में एक नया पन्ना जो जुड़ रहा है आपके सामने, क्या क्वेश्चंस है, किस तरीके के क्वेश्चंस है। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, दैट इज नेम द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी?
मुजफ्फर शाह सेकेंड, अहमद शाह फर्स्ट, मुजफ्फर शाह फर्स्ट या बहादुर शाह? तो सर कहीं ना कहीं ये फिर से हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। अहमदाबाद शहर की स्थापना की बात है तो हमें जहां तक लगता है इसमें नाम आना चाहिए अहमद शाह फर्स्ट का। जी बिल्कुल मैम, आपने करेक्ट आंसर किया, अहमद शाह फर्स्ट इसका सही आंसर है। अब देखिए अहमदाबाद का नाम आया इसलिए सारे लोगों के सामने आंसर वो अहमदाबाद अहमद जुड़ा जुड़ा जी, सा जुड़ा सा लगता है तो इसीलिए। लेकिन यहाँ पर अहमदाबाद ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ दिया जाए अहमदाबाद किस नदी के किनारे है तो बिल्कुल आपका आंसर आना चाहिए साबरमती। अहमदाबाद कहाँ किस स्टेट में है तो आपका आंसर आएगा गुजरात। तो इस तरीके के जीके की भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन से बन सकते हैं, पर आपका हिस्टोरिकल क्वेश्चन तो बना हुआ ही है। और जो ऑप्शंस अदर आपको दिख रहे हैं, मुजफ्फर शाह ये भी महत्वपूर्ण है, मैंने पहले के प्रोग्राम में इसमें चर्चा की है, बहादुर शाह ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इनके बारे में भी आप पढ़ के जरूर जाएं। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ तानसेन? तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? मकरांडे पांडे, बाज बहादुर, लाल कलवंत या राम तानु पांडे? तो यहाँ पे सर अगर हम बात करें तो कहीं हमें लगता है शायद इनका नाम राम तनु पांडे था। जी बिल्कुल मैम, आप सही हैं। तानसेन के अगर वास्तविक नाम की अगर हम चर्चा करते हैं तो राम तनु पांडे तानसेन का वास्तविक नाम था। और अगर कभी मेडाइवल इंडिया की बात आती है कहीं भी तो संगीत के लिए जरूर तानसेन का नाम लिया जाता है। बिल्कुल, बढ़ेंगे इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज एक्चुअली सेक्रेटेड बाय? ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, मिडिल लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड? तो सर बिल्कुल साइंस का क्वेश्चन है यहाँ पे और हमें पता है साइंस हमारी थोड़ी सी अच्छी खासी स्ट्रांग है, तो हमें लगता है इसका आंसर सी है। जी बिल्कुल मैम, सी सही आंसर है। अगर हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन हार्मोन की तो देखिए हार्मोन से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा साइंस सेक्शन से। और यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, तो याद रखिएगा इसका जो बैक पार्ट होता है यानी कि पीछे का भाग होता है वहां से इस हार्मोन का श्रावण होता है। और एक क्वेश्चन और आपको यहाँ से मिल सकता है, ये मिल सकता है कि अगर आपसे मास्टर ग्लैंड पूछा जाए कौन सी है तब भी आपका आंसर कौन सा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। और हमारी बॉडी में जितनी सारी ग्लैंड्स होती हैं सारी ग्लैंड्स के ऊपर पिट्यूटरी का ही कंट्रोल रहता है, केवल एक ग्लैंड हमारी बॉडी में है जिसके ऊपर पिट्यूटरी का कंट्रोल नहीं होता है और वो ग्लैंड होती है पैराथायराइड। याद रखिएगा पैराथायराइड एकमात्र यानी कि परावटु ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जिसके ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल नहीं रहता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो थायराइड के अंदर धसी हुई होती है और वहां तक उसकी कंट्रोलिंग नहीं होती है। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। विडाल VIDAL टेस्ट डन इन विच टाइप्स ऑफ डिसीज? विडाल परीक्षण किस रोग में करते हैं? मलेरिया, HIV, टाइफाइड, डेंगू? तो सर यहाँ हमें लगता है कहीं ना कहीं इसका आंसर सी हो सकता है, टाइफाइड। जी मैम बिल्कुल सही है आप, और इसका आंसर सी टाइफाइड ही है। अब देखिए विडाल एक टेस्ट है कि कैसे पता चलेगा किसी पर्सन को टाइफाइड हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये विडाल टेस्ट के जरिए जानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आपको ऑप्शन बी HIV भी दिख रहा है, डेंगू भी दिख रहा है, मलेरिया भी दिख रहा है, इनके भी टेस्ट। देखिए अप्लाइड साइंस के क्वेश्चन जरूर आते हैं। अब यहाँ पर HIV की बात आई है तो बिल्कुल HIV का टेस्ट एलिजा याद रखिएगा, वो भी कई बार पूछा गया है। यहाँ पर विडाल भी पूछा गया है। डेंगू के बारे में ब्रेकबोन फीवर, फीवर बोला जाता है, हड्डी तोड़, बुखार भी बोला जाता है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस आपके साइंस में हैं बिल्कुल बनाए जा सकते हैं सर। अप्लाइड साइंस अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है, देखिए मैं बिल्कुल नाम लूंगा EEG जैसे पूछा जाता है साइंस में जी, ECG, EEG किस बॉडी पार्ट से रिलेटेड है यानी कि इंस्ट्रूमेंट है, चेक किया जाता है तो मस्तिष्क ब्रेन आएगा। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सारे लोग जानते हैं, बिल्कुल हार्ट। तो इस तरीके से क्वेश्चन में हम बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो हमारे हम अपने एस्पायरेंट से यही कहेंगे कि साइंस में जो भी क्वेश्चन तैयार किए हैं उसमें एप्लीकेशन जरूर होना चाहिए यानी कि अप्लाइड साइंस जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आज के सेशन का। साइंटिस्ट एडवर्ड जीनर जी इज रिलेटेड विद? वैज्ञानिक एडवर्ड जीनर संबंधित है किससे? तो इजी क्वेश्चन है ऐसा हमें लगता है, जेनेटिक कोड, पोलियो वैक्सीन, कॉलरा वैक्सीन और चिकन पॉक्स वैक्सीन? तो आंसर की अगर हम बात करें तो सर हमारे हिसाब से बिल्कुल अनडाउटेडली ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, चिकन पॉक्स। बिल्कुल, इससे पहले भी हमने ये डिस्कस किया था, ये जो टीकों का वैक्सीन
का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारे लोगों ने दिया है, तो याद रखिएगा, चाहे रेबीज का टीका पूछा जाए, चाहे चेचक का टीका पूछा जाए। यहाँ पर एडवर्ड जेनर की बात की गई, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका खोला था। और जगह एक पेनिसिलिन का भी मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वहां पर नाम आया था। पोलियो का टीका भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ड्रॉप और टीका दोनों अंतर है पोलियो में, एक जॉन साल का है, एक अल्बर्ट सेविन का है, दोनों का नाम पूछा गया है। और जेनेटिक कोड का भी आप सारे लोग जानते हैं, हरगोविंद खुराना का नाम वहां पर आता है। और देखिए, अगर आनुवंशिक की बात करते हैं तो डीएनए का मॉडल की बात आएगी, तो वहां पर वाटसन क्रिक की नाम आएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ये जो इन्वेंटर्स के नाम है ये पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल, बढ़ते इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। फैट सोल्युबल विटामिन इस वसा में घुलनशील विटामिन है, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन B12। तो बिल्कुल फैट सोल्युबल विटामिन की बात है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई आंसर है। जी बिल्कुल मैम, आपका सही आंसर है। और इसका कारण यह है कि एक हमारे एस्पायरेंट्स को जरूर याद रखना चाहिए, एडक, ADEK, एडक याद रखेंगे। एडक जो विटामिन हैं वो फैट में सोल्युबल होते हैं, यानी कि फैट में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं, और बाकी के बचे बी और सी हमारे वाटर में सोल्युबल होते हैं, यानी कि जल में घुलनशील होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखोगे, एडक एंड BNC, एडक किसकी तरफ जाएगा, वसा की तरफ, और बी और सी किसकी तरफ आएंगे, जल यानी कि पानी की तरफ। अब यहां पर देखिए जो ऑप्शंस दिए गए हैं, B1, C, E, B12, और बाकी तो B और C तो हमारे वाटर में है, तो ऑब्वियसली C जो ऑप्शन आपको दिख रहा है यानी कि विटामिन ई, वो आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर B12 जो विटामिन आपको D ऑप्शन दिख रहा है बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है, तो वहां पर आपका आंसर विटामिन B12 होगा। इसलिए होगा क्योंकि इसका केमिकल नेम भी हम लोग जानते हैं, साइनोकोबलामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन सी का भी आपका केमिकल नेम पूछा जा सकता है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसी तरीके से टोकोफेराल का भी पूछा जा सकता है, कैल्सीफेराल का भी पूछा जा सकता है, किस विटामिन का केमिकल नेम है, रेटिनॉल, थायमिन। तो ये सारे के सारे विटामिन के बारे में आप लोग पढ़ के जरूर जाएं। बिल्कुल, बढ़ते इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे। वायरस ऑफ बर्ड फ्लू इज, बर्ड फ्लू के विषाणु होते हैं H1N1, H3N2, H5N1 या H1N5। तो अगर हम यहाँ बात करें तो बर्ड फ्लू के वायरस की बात हो रही है, तो सर यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, बट हमें लगता है कहीं ना कहीं H5N1। जी बिल्कुल मैम, आपका सही उत्तर है। देखिए, बर्ड फ्लू एक बीमारी थी जो कि पक्षियों से एक बीमारी आई थी, और चाइना में भी फैली थी, थाईलैंड में फैली थी, बहुत सारे कंट्रीज में आई, फिर हमारे इंडिया में भी इसका इफेक्ट देखा गया। तो इसका एक वायरस होता है, उस वायरस का नाम है H5N1। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो इस प्रश्न के लिए तैयार रहे। बिल्कुल, बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत में राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए अधिकतम आयु होनी चाहिए। तो यहाँ पे सर हमने प्रीवियस सेशंस में मिनिमम एज की बात की थी, आज हमारे पास मैक्सिमम की बात है, 58 इयर्स, 62 इयर्स, 60 इयर्स या नो सच लिमिट। तो हमें लगता है नो सच लिमिट होना चाहिए। बिल्कुल मैम सही हो, बहुत कंसेप्चुअल ये क्वेश्चन हाँ। है कंसर्ट, क्योंकि जब प्रेसिडेंट की बात आती है, जो भी आर्टिकल हम पढ़ते हैं, तो वहां पर ये तो दिया गया है 35 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 35 साल की है जिसकी पूरी होनी चाहिए, वही पर्सन राष्ट्रपति बन सकता है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य भी होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, शर्तें हैं। लेकिन जब उसके अगर अधिकतम एज कितने साल तक का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, तो ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है 5 साल तक वो राष्ट्रपति रहेगा, अपने शपथ जिस दिन लेगा उससे 5 साल तक वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहेगा। लेकिन यहाँ पर कोई मैक्सिमम एज का प्रावधान नहीं, इसलिए ऐसे अगर प्रश्न आए तो वहां पर बहुत सावधानी के साथ में ऑप्शन जरूर पढ़े। ऑप्शन आप पढ़ोगे आपको लगा 60 या 62, बहुत सारे एस्पायरेंट या तो 60 क्लिक करके आएंगे या मैम 62, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट जॉब का आपका रिटायरमेंट जो होता है, प्रेसिडेंट के लिए कोई भी अधिकतम आयु का मानक नहीं रखा गया। चलिए बढ़ते इसी के साथ अगले क्वेश्चन। The Tropic of Cancer does not pass through. जी। कर्क रेखा नहीं गुजरती है कहाँ से? इंडिया, इजिप्ट, मैक्सिको या ईरान? तो बात अगर करें यहाँ पे, तो सर बिल्कुल हमें लगता है ईरान इसका आंसर होगा। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर हमारे एस्पायरेंट मैप से, जैसा कि हम बोलते भी हैं कि मैप में जियोग्राफी की आत्मा रहती है, बसती है, तो बिल्कुल अगर आप मैप के थ्रू पढ़ रहे हैं जियोग्राफी,
बहुत अच्छा। देखिए ये वर्ल्ड का मैप, अगर आप पॉलिटिकल मैप आपने देखा है तो बिल्कुल वहां पर आपको तीन लाइन दिख जाएंगी। अगर 23rd and half नॉर्थ की बात करते हैं तो वहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा दिखेगी। 0 degree की बात करेंगे तो इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा दिखेगी। अगर 23rd and half साउथ की बात करेंगे तो वहां पर आपको मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वहां पर दिखेगी। अब ये लाइन जिन जिन कंट्रीज से जाती है उसको नोट जरूर करके आप लोग याद करें। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहते हैं तो अपनी शॉर्ट ट्रिक बना करके भी याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, आपका आंसर तो आप लोगों के सामने है ईरान, लेकिन कहाँ कहाँ से गुजरती है मैं बिल्कुल अपने एस्पायरेंट को बताऊंगा। मैक्सिको याद रखिएगा, मैक्सिको से कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। मैक्सिको से बहमास, मेरिटेनिया, माली, वेस्ट सहारा, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, भारत, चाइना, ओमान, बांग्लादेश, याद रखिएगा ताइवान, बर्मा यानी कि म्यांमार, इतने सारे कंट्रीज से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो एक कॉन्सेप्ट बेसिस का सवाल आपका बन सकता है इस तरीके का। तो जितनी लाइंस हैं 0 degree, 23rd and half नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा, 23rd and half साउथ यानी कि मकर रेखा, जितने देशों से गुजर रही है उनके नाम जरूर आप लोग याद कर लें। बढ़ेंगे इसी के साथ, देखेंगे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। तो ये रहा आपके क्वेश्चन सेशन का लास्ट क्वेश्चन। द बोकारो स्टील प्लांट हैज बीन सेट अप विद द असिस्टेंस ऑफ, बोकारो इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित हुआ था? यूके, यूएसए, जर्मनी, रशिया। तो अनडाउटेडली सर इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें पता है कि हम 100% राइट है, जो कि है रशिया। जी बिल्कुल, और मैम इससे पहले भी चूंकि 5-year प्लान्स के क्वेश्चन आए हैं और वहाँ पर मैंने कई बार पूछा भी है। देखिए अब बोकारो स्टील प्लांट की बात आई तो सबसे पहले बोकारो है कहाँ पर, झारखंड में स्थित है, और ये किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? बिल्कुल 1964 में इसकी स्थापना की गई थी और रूस देश की सहायता के साथ में स्थापित किया गया था। बिल्कुल, तो ये हो गए आज के सेशन के सारे क्वेश्चंस, इवेंट्स, बर्थडेज एंड डेथ्स। तो आज के दिन में क्या था खास, हमने उस पे नजर डाली। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि महिंद्रा गुरु आपके साथ इसी तरीके से जुड़ता रहेगा, बताता रहेगा डेली बेसिस पे कि क्या इवेंट्स, क्या बातें इंपॉर्टेंट है किसी भी डेट से। कमेंट करते रहिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स बताते रहिए, सो दैट वी कैन वर्क अपॉन इट। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल, क्योंकि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सेकेंड एपिसोड कल वेडनेसडे 18 January को टेलीकास्ट होगा 10 बजे सुबह शाम। और मैंडेटरी नॉर्म उसके लिए है कि आपका सब्सक्राइब व्यूअर होना जरूरी है। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द 10 कैंडिडेट्स जिनने पिछले हफ्ते अपनी उंगलियों को तेज चलाया और यहां से स्मार्टफोन, जी हां स्मार्टफोन जीता है। तो बिल्कुल कंग्रेचुलेशंस उन सारे कैंडिडेट्स को भी, और हम चाहेंगे बाकी के कैंडिडेट्स बिल्कुल अपनी कमर कस ले कर लीजिए, क्योंकि कल का सुबह 10 बजे जब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट टेलीकास्ट होगा तो हम चाहेंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ के उस गेम में पार्टिसिपेट करके प्राइज जीत सके। इट इज नॉट ओनली फॉर महिंद्रा कैंडिडेट्स, ये पैन इंडिया बेसिस पे, यस, क्योंकि अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने ध्यान से पढ़े हो तो उसका एक नॉर्म ये भी था कि सिटीजनशिप आपकी इंडियन होनी चाहिए, नो मैटर एज, नो मैटर व्हाट, आप महिंद्रा स्टूडेंट है नहीं है, एस्पायरेंट है या नहीं है, एनीबडी एनीवेयर कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो बिल्कुल सब्सक्रिप्शन करना ना भूले हमारे चैनल का, और देखते रहे, बने रहे हमारे साथ इसी तरीके से, बिकॉज FYI फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपके साथ क्वेश्चन बैंक्स के साथ साथ इवेंट्स और घटनाओं पे तो नजर डालता ही रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जल्दी ही आपसे FYI के नए सेशन में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, और याद रखिए आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।